उसके हिसाब से अगर टॉयलेट्स की वो बढ़ानी हो तो बढ़ा लीजिएगा, हमारे लिए प्रेफरेंस पब्लिक के लिए है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो अभी कितने लोग, कितने एप्लीकेंट्स आ रहे हैं दिन में? हाँ, आ रहे हैं अभी। आज हम सरायकाले खां, जो हमारी अथॉरिटी है, और यहाँ पर हमारा आरटीओ भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सरायकाले खां के बारे में बात है वो ये है कि यहाँ जितने भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो सारी चीज़ें यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। तो आगे आने वाले समय में दिल्ली वासियों के लिए, इवन जो बाहर से भी, जैसे यूपी से अगर कोई आ रहा है या कोई राजस्थान से अगर कोई आ रहा है, तो सारी डिफरेंट जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा और बहुत अच्छी सुविधा होगी। और जो हमारा फेसलेस सर्विस का जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो सीएम साहब द्वारा जिसको लॉन्च किया जाएगा, उसका भी बहुत अच्छा यहाँ बैकएंड ऑपरेशंस के लिए पूरी टीम यहाँ बैठेगी, निगरानी रखेगी। यहाँ पे फुल टाइम एक हमारा मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर भी स्टेशन होगा, जो कि सारे ऑपरेशंस को सुपरवाइज करेगा। यहाँ सर अभी हम जो शुरू करेंगे उसमें हमको करीब 6-7 महीने का सर टाइम लगेगा, उसके बाद सर हम खोल देंगे इसको। हाँ। फिर हमें सुपर स्ट्रक्चर लेके जाना पड़ेगा, उस समय थोड़ा सा दिन हम बंद करेंगे। हमने सर एक प्रिपेयर किया था कि पहले था कि ISBT पूरा रिबिल्ड होगा कम्प्लीटली। ये हमारा स्टेशन है सर, ये वाला आप स्टेशन, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कहाँ हो रही है, मेट्रो और RTS? सर ये तो नीचे से चली गई, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ हम पैसेंजर्स यहाँ से, हाँ मैं पैसेंजर के पॉइंट यूज़ बोल रहा हूँ, पैसेंजर्स यहाँ से नीचे उतर सकते हैं और ये जो फोटो ब्रिज है उससे कनेक्ट। ओके।